रशिया और यूक्रेन के बीच जंग को एक महीने से ज्यादा का वक्त पूरा हो गया है। रशिया ने यूक्रेन के तमाम शहरों को पूरी तरह तबाह करने के बाद अब उन शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है जो अभी तक युद्ध की मार से बचे हुए थे। खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में असफल होने पर रशिया ने फिर अपनी रणनीति बदली है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना ध्यान कीव से हटाकर डोनबास की तरफ कर लिया है। पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करके रशिया यूक्रेन को कई तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनबास पर कब्जा करके रशिया यूक्रेन को किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है और इससे कितना कुछ बदलेगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक शहर है। रशिया यहां कब्जा करने के लिए रूस समर्थक अलगाववादियों का सहारा ले रहा है। यहां बड़ी संख्या में रूसी बोलने वाले लोग रहते हैं और रशिया इसी का फायदा उठा रहा है। 2014 के बाद से ही यहां रहने वाले रूस समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के बल से लड़ रहे हैं। इसी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए रशिया ने इन पर अपना विश्वास जताया है और जंग में शामिल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुत्स्कोविक ने कहा है कि हमने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को कम करने का लक्ष्य पा लिया है। अब हमारा फोकस डोनबास की आजादी पर है। अमेरिका के शीर्ष सेना अधिकारी का दावा है कि रशिया मारियोपोल और डोनबास पर कब्जा करने में जुटा है। माना जा रहा है कि इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने वाली मदद को भी रोका जा सकता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो यूक्रेन के लिए ये दोनों शहर बेहद खास हैं। यहाँ से सामान यूक्रेन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। अगर इन हिस्सों में रशिया कब्जा कर लेता है तो भविष्य के लिए यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होना तय है और हर जरूरी सामान पहुंचने पर भी रशिया पाबंदी लगा देगा। यूक्रेन को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, साथ ही दूसरे देशों से कर्ज लेने पर यूक्रेन पर बोझ बढ़ेगा। वहीं मारियोपोल की बात करें तो भौगोलिक रूप से ये बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से ये रूस के लिए सबसे अहम हो गया है। अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाता है तो रशिया के पास काला सागर से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा। रशिया लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में मौजूद अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि रशिया की ये रणनीति कितनी सफल होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।